2022 खत्म होने को आया है और तुम्हें पता भी नहीं है कि कितने सारे गेम्स रिलीज हो चुके हैं। लेकिन हम गेमर्स के लिए अगर कोई चीज हमारे साल को यादगार बनाती है तो वो है वीडियो गेम्स जिनमें से कुछ मास्टरपीस होती हैं और कुछ बिल्कुल बकवास होती हैं। अब क्योंकि साल खत्म होने को आया है एंड तुम्हारे पास हर एक गेम को ट्राई करके उनमें से बेस्ट को चूज कर पाना इम्पॉसिबल होगा, इसलिए तुम्हारे टेंशन को ऑल इज वेल कहते हुए मैं आज इस वीडियो को लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस साल के सबसे बेस्ट गेम्स के बारे में। एंड इस वीडियो को सेफली खेलते हुए मैं ये भी बोल देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सारे गेम्स का नाम मैं लूंगा या फिर जिस तरह से भी मैं इनको रैंक करूंगा, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं रैंक करूंगा। एंड हो सकता है कि वो तुम्हारे पर्सनल गेमिंग लिस्ट से बिल्कुल अलग हो, तो गुस्सा या फिर उदास मत हो जाना। इनफैक्ट मैं ये चाहूंगा कि तुम लोग अपने अपने पर्सनल फेवरेट गेम्स को कमेंट करो ताकि बाकी लोग भी उन गेम्स को ट्राई कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 8, ग्रैंड टूरिज्मो 7। कार्स किसको पसंद नहीं होती। आजकल के मैक्सिमम गानों की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उनमें खूबसूरत गाड़ियां और लड़कियों का होना तो जैसे एक नियम सा बन गया है, लेकिन तब क्या होगा जब हम इन खूबसूरत गाड़ियों को एक वीडियो गेम में डालते हैं। यस यू आर राइट, फोर्ज़ा होराइज़न 5। बट क्योंकि मेरे पास एक्सबॉक्स नहीं है इसलिए ग्रैंड टूरिज्मो 7। ग्रैंड टूरिज्मो 7 इस साल के 4th मार्च को रिलीज हुआ था, जिसको हम लोग ग्रैंड टूरिज्मो स्पोर्ट्स, जो कि 2017 में रिलीज हुआ था, उसका बड़ा भाई कह सकते हैं। और क्यों ही ना कहें, ग्रैंड टूरिज्मो 7 में उन सारी चीजों को ऐड कर दिया गया है जो कि उसका प्रेडिसेसर लैक कर रहा था। इस गेम में फिलहाल 420 कार हैं, मगर फ्यूचर में टाइम के साथ साथ और भी कार्स को ऐड किया जाएगा। इस गेम में रियलिस्टिक डायनामिक वेदर सिस्टम को भी ऐड किया गया है, जिससे कि तुम लोग रे ट्रेसिंग का मजा 4K में उठा सकते हो। इस गेम में तुम ड्राइविंग टेस्ट भी कर सकते हो टू चूज योर ओन फेवरेट कार, और अगर ये भी कम लगता है, ग्रैंड टूरिज्मो 7 के साथ तुम लोग डुअल सेंस कंट्रोलर का भी फुल मजा उठा सकते हो। और एक कार रेसिंग गेम में तुम और क्या ही डिमांड कर सकते हो। नंबर 7, डाइंग लाइट 2। डाइंग लाइट 1 एंड इसके DLC के रिलीज के बाद लोग इसके सीक्वल का हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ इंतजार कर रहे थे। हालांकि डाइंग लाइट 2 डाइंग लाइट 1 जैसा धमाल तो नहीं मचा पाया, लेकिन ये गेम इतना बढ़िया तो है कि ये गेम इस लिस्ट में अपना जगह बना पाए। डाइंग लाइट 1 के इवेंट्स के 30 साल बाद डाइंग लाइट 2 में हमारा गेम का न्यू प्रोटैगनिस्ट एडन केटवॉल अपने बहन को ढूंढते हुए इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स दुनिया में घूम रहा है। इसकी कहानी को लेकर अगर बात किया जाए तो कहानी डाइंग लाइट 1 के कंपैरिजन में काफी वीक फील होता है। कहानी में इतने सारे कैरेक्टर्स को भर भर कर डाल दिया गया है कि कहानी पर फोकस कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर सच बात बताओ तो उसकी कहानी बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल है। अब अगर बात की जाए गेम प्ले की तो भाई इसका गेम प्ले टॉप नॉच है। इस गेम का पार्कोर सिस्टम बटर जैसा स्मूथ है। इस गेम में पार्कोर को लेकर कई सारे स्किल्स है जो कि बहुत ही कमाल के हैं। गेम प्ले इस गेम का मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है। इस गेम में तुम्हारे पास ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए कई सारे वेपन्स होंगे, जिसको तुम लोग मॉड्स की मदद से एलिमेंटल डैमेज दे सकते हो, विच इज प्रीटी सिक। ओवरऑल अगर इसके कुछ बग्स को इग्नोर कर दिया जाए देन इसका गेम प्ले ऑलमोस्ट परफेक्ट है, एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस गेम। नंबर 6, सीफू। देखो यार, 2022 में कई सारे बड़े बड़े गेम्स रिलीज हुए हैं, मगर इंडी गेम फैंस के लिए ये साल कमाल का था। सीफू एक ऐसा बीटम अप इंडी गेम है जिसने कई सारे लोगों का ध्यान अपने तरफ खींचा था। 8 फरवरी में रिलीज होने वाला ये गेम लोगों को इतना पसंद आया था कि सीफू सीधा गेम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हो गया था। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे। देखो यार, सीफू का कंसेप्ट काफी यूनिक है। जितने बार तुम्हारा प्लेयर मरेगा उतने बार वो रिजरेक्ट हो जाएगा, मगर जितने बार वो रिजरेक्ट होगा उसका एज उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट पर जब प्रोटैगनिस्ट बुढ़ापे के चलते मर जाएगा तब गेम विदाउट चेक पॉइंट एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। कॉम्बैट इसका बहुत स्विफ्ट है। हाथ पैर के साथ तुम लोग बॉटल एंड स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि गेम को रिपीटेटिव बनने से रोकता है। हर एक बॉस के पास अपना एक यूनिक वेपन एंड फाइटिंग स्टाइल होता है जो कुंफू के हर एक स्टाइल को दर्शाता है। सीफू की कहानी भी काफी अच्छी है। अगर तुम लोग सीफू की कहानी को जानना चाहते हो देन ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। नंबर 5, प्लेग टेल रिक्वायम। इस पूरे लिस्ट में यही एक ऐसा गेम है जिसको मैंने नहीं खेला है, बट ये गेम ऑफ द ईयर के टॉप 5 नॉमिनेशंस में से एक था, एंड लोगों ने भी इस गेम को बहुत ही ज्यादा प्रेज किया है। एंड क्योंकि इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है इस साल के सबसे बेस्ट गेम्स को रिकमेंड करना, तो इस गेम को तो इस लिस्ट में आना ही था। प्लेग टेल रिक्वायम प्लेग टेल इनोसेंस का सीक्वल है, एंड ये बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज प्लेग टेल रिक्वायम गेम प्ले के मुताबिक ऑलमोस्ट इनोसेंस जैसा ही है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं मगर उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ना ही ज्यादा बोरिंग। मगर इस गेम का मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है इसका ग्राफिक्स एंड इसका स्टोरी। इस गेम का ग्राफिक्स इतना ज्यादा बढ़िया है कि ये उसके गेम प्ले के नेगेटिव्स को ओवरशैडो कर देता है। दूर दूर के विजुअल्स क्लियर ना दिखे बट काफी खूबसूरत दिखते हैं।
बात की जाए इसकी कहानी की, तो इसकी कहानी मेन गेम से भी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। मैं मेन स्टोरी को ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, बट ये गेम एक ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को चेरिश करती है और ओरिजिनल गेम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करती है कि ह्यूगो का डिजीज क्या है और उसे वो डिजीज कैसे हुआ। नंबर 4, स्ट्रे। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा कि स्ट्रे ने इस साल के बेस्ट इंडी गेम अवार्ड को जीता है एंड उसके साथ साथ इस कैट ने हमारे दिल को जीता है। गेम प्ले इसका बहुत ही बेसिक है, लिटरली तुम्हें एक बिल्ली बना देता है, ऊपर से चीजों को फेंकना, मैट्रिक्स का हाल बेहाल कर देना, छत के ऊपर से भागना, इस गेम में सब कुछ है। मगर इसके गेम प्ले ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया है, बल्कि इसके स्टोरी ने किया है। एक बिल्ली जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई रोबोट की दुनिया में फंस जाती है और उसी दुनिया में एक छोटा रोबोट B12 का साथ पाती है। इस दुनिया के रोबोट्स अपने पूर्वज यानी कि इंसानों की तरह रहते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये रोबोट्स इंसानों की नकल करते हुए उनके क्रुएलिटी एंड सेल्फिश नेचर को बाहर निकाल के लाती है। इन्हीं सब के बीच में हमारे बिल्ली स्ट्रे एंड B12 के बीच में एक इतना अच्छा रिलेशनशिप दिखाया गया है कि जर्नी के एंड आते आते आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर तुम्हें स्ट्रे की कहानी जाननी है देन तुम लोग ऊपर आने वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हो टू नो इट्स स्टोरी। नंबर 3, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। ओके, इस गेम ने मेरे दिल में एक स्पेशल जगह होल्ड करके रखी है क्योंकि इसी गेम के साथ मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी। होराइजन जीरो डॉन को 6 बार खेलने के बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। होराइजन जीरो डॉन के अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड फ्लॉस को ध्यान में रखते हुए गरिला गेम्स ने होराइजन फॉरबिडन वेस्ट को बनाया है जो कि होराइजन जीरो डॉन से हर एक एस्पेक्ट में बढ़िया है। इसके ग्राफिक्स टॉप नॉच है, इसके कॉम्बैट को इम्प्रूव किया गया है, साइड क्वेस्ट कमाल के हैं एंड स्टोरी तो कमाल का है ही। Horizon Forbidden West का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग पॉइंट है इसके ग्राफिक्स। इसका ग्राफिक्स एंड विजुअल्स इतने खूबसूरत हैं कि तुम गेम खेलना बंद करके एक जगह पर रुककर बस इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड की खूबसूरती का मजा उठाने लगोगे। आई मीन जस्ट लुक एट दिस, दिस इज द बेस्ट लुकिंग गेम एवर। इसका गेम प्ले भी काफी कमाल का है, कई सारे न्यू वेपन्स को भी ऐड किया गया है, नए नए एनिमीज को भी ऐड किया गया है और इस बार मशीन्स के साथ साथ ह्यूमन कॉम्बैट को भी कंपैरेटिवली ज्यादा रखा गया है। स्टोरी इसका होराइजन जीरो डॉन के मुकाबले थोड़ा सा डल फील होता है मगर मुझे पर्सनली काफी मजा आया है। एंड अगर तुम लोग होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की स्टोरी को चेकआउट करना चाहते हो देन ऊपर फ्लैश होने वाले लिंक पर क्लिक करके होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की स्टोरी को देख सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। नंबर 2, गॉड ऑफ वार रैग्नारोक। अगर इस साल किसी गेम के स्टोरी ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है, अगर मुझे कैरेक्टर कैसा होना चाहिए ये सिखाया है, अगर ऐसा कोई गेम है जिसके सामने मैं अपना सर झुकाना चाहूंगा तो वो है गॉड ऑफ वार रैग्नारोक। गॉड ऑफ वार रैग्नारोक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बनाकर रखा है तो तुम लोग वो जाकर देख सकते हो। और अगर तुम लोग गॉड ऑफ वार रैग्नारोक के हेवी फैन हो देन मैंने गॉड ऑफ वार रैग्नारोक का स्टोरी लाइन भी एक्सप्लेन कर रखा है तो तुम लोग वो जाकर भी देख सकते हो। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट की तरह ही गॉड ऑफ वार रैग्नारोक हर एस्पेक्ट में अपने प्रेडेसेसर गॉड ऑफ वार 2018 से बेहतर है। गॉड ऑफ वार 2018 जैसा ही इस गेम में हमारे पास सिर्फ 2 वेपन होते हैं, ब्लेड्स ऑफ कियोस एंड लेवायथन एक्स, मगर इस गेम में इतने सारे स्किल्स को ऐड किया गया है कि तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होते हो। ग्राफिक्स इस गेम का समवट गॉड ऑफ वार 2018 जैसा ही है बट विजुअल्स डेफिनेटली गॉड ऑफ वार 2018 से काफी ज्यादा बेहतर है। गॉड ऑफ वार 2018 के लैक ऑफ एनिमी टाइप्स के क्रिटिसिज्म के ऊपर काम करते हुए इस बार गेम में कई सारे एनिमी टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज अ रियल गेम चेंजर। About the story, oh my god, इस साल का सबसे best story based game है। The depth of the characters, the morals, the emotions तुम्हें अंदर तक feel होती है and this is a must play game. Number 1, you know it, the best game of the year and the game of the year award winner, The Elden Ring. एक game का सबसे important चीज क्या होता है? उसका gameplay, right? And मैं 100% guarantee के साथ कह सकता हूँ कि From Software वाले इस बात को जानते थे। एक सोल्सबॉर्न वेटरन होते हुए इतने सारे सोल्सबॉर्न गेम्स को खेलने के बाद मैं कह सकता हूँ, इतने सारे नॉर्मल गेम्स खेलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गेम्स आई हैव प्लेड एंड द बेस्ट गेम ऑफ दिस ईयर। इस गेम में जो कुछ भी है वो सब प्रेज़वर्दी है। कॉम्बैट इसका डिफिकल्ट बट इतना सेटिस्फाइंग है कि तुम खुद को रोक नहीं सकते। इतने सारे वेपन्स, इतने सारे बिल्ड्स, इतने सारे स्किल्स हैं कि तुम लोग लिटरली इस गेम को 10 बार 10 तरीके के साथ खेल सकते हो। अब सोल्सबॉर्न गेम है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस गेम में कितने सारे एनिमी वैरायटीज हैं। ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमीज हैं। इस गेम के साइड क्वेस्ट भी काफी बढ़िया है विद ग्रेट स्टोरी एंड डेफिनेटली ग्रेट बॉस फाइट्स जो कि तुम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। एल्डन रिंग के स्टोरी को लिखा है जॉर्ज आर आर मार्टिन ने, तो इसकी स्टोरी भी काफी कमाल की है। थोड़ा सा ट्विस्टेड है बट कमाल का है।
और इस गेम का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग पॉइंट है कन्वेंशनल ओपन वर्ल्ड सिस्टम से हटकर ओपन वर्ल्ड गेम्स को एक न्यू डेफिनेशन देना। इस गेम का मैप बहुत ही बड़ा है एंड सिर्फ बड़ा ही नहीं काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है। हर एक एरिया का एक यूनिक एनवायरनमेंट एंड नेचर है। हर एक एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमीज हैं। नो मैटर कि तुम स्टोरी को किस तरह से फॉलो करते हो, तुम ओपन वर्ल्ड में जब चाहो जिस जगह पर चाहो जा सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द स्टोरी। तुम गेम के स्टार्टिंग में ही गेम के मिडिल पोर्शन में जा सकते हो एंड उसमें एंजॉय कर सकते हो। इस गेम में लिटरली कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। Elden Ring has won the game of the year award and it truly deserved it. वेल इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे वंडरवुल्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि ईयर 2022 मेरे लिए फॉर्चुनेटली काफी अच्छा रहा है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक अ फेलियर इन एवरी न्यू ईयर्स ईव इस साल मैं चैन से सो सकता हूँ। जितने भी सारे लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आई होप कि आपका 2022 भी काफी अच्छा रहा होगा और अगर अच्छा नहीं भी गया है देन डोंट वरी 2023 इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज दैट कैन चेंज योर लाइफ। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग। पता नहीं मैं इस वीडियो को कब अपलोड कर पाऊंगा बट ऑलवेज रिमेंबर अ ग्रेट वॉरियर वंस सेड फेट विल ओनली बाइंड यू इफ यू लेट इट सो डोंट बी सॉरी बी बेटर। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाई।